Hello students, hope you all are fine at home and keeping your health good. Today let us continue our chapter number 11, that is mensuration. Here we having question of exercise 11.1. Here the question says that a square and a rectangle filled with measurements as given in the figure have the same perimeter, which field has a larger area. बताया गया है कि दोनों की पैरामीटर जो है वो सेम है, तो हमें फाइंड करना है कि किसका एरिया जो है वो ज़्यादा होगा और किसका कम होगा. या वी हैविंग स्क्वायर, स्क्वायर का दिया गया है लेंथ दैट इज 60 मीटर, तो पैरामीटर क्या होगी, दैट विल बी 4 इंटू साइड. 4 इंटू साइड, साइड क्या गिवन है हमें, दैट इज 60 मीटर, दैट विल बी 4 इंटू 60, दैट इज 240 मीटर. हमें बोला गया है क्वेश्चन में ही कि दोनों की पैरामीटर जो है वो सेम है, मतलब स्क्वायर की पैरामीटर जो है वही पैरामीटर होगी हमारे शेप रेक्टेंगुलर की, मतलब स्क्वायर इक्वल टू रेक्टेंगुलर, लेकिन पैरामीटर ही एरिया जो है हमें डिफरेंट मिलेगा, पैरामीटर जो है वो सेम मिलेगी. So here we having perimeter of square and perimeter of rectangular is 240 meter. Now we will count area of square, that is 60 into 60, that will be 3600 meter square. Now we having what we have to find, we have to find, यहाँ पे हमारे पास लेंथ गिवन है, हमें ब्रेथ फाइंड करनी है. हमें पैरामीटर तो पता है, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा रेक्टेंगल के लिए, दैट इज टू लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ क्या गिवन है, दैट इज 80. ब्रेथ हमें पता नहीं है, ऑलरेडी रेक्टेंगल की पैरामीटर जो है वो हमें पता है, दैट इज 240 मीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट विल बी 240. नाउ 240 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 80 प्लस ब्रेथ. 240 डिवाइड बाय 2 क्या मिलेगा हमें, दैट विल बी 120. ब्रेथ को हम एज इट इज रखेंगे, 80 को हम इक्वल टू इस साइड पे लेके आएंगे, दैट विल बी 120 माइनस 80, तो क्या मिलेगा हमें, दैट विल बी 40 मीटर. ब्रेथ क्या मिली हमें, 40 मीटर. नाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, बिकॉज हमारे पास ब्रेथ भी है अब और हमारे पास लेंथ भी है. ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ गिवन थी 80 और ब्रेथ मिली 40, सो दैट विल बी 8 4 32 3200. यहाँ पे हमें 3200 मिला, यहाँ पे हमें एरिया क्या मिला था, 3600, तो 3600 जो है वो बड़ा हुआ, तो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर. बिकॉज हमारे पास जो एरिया ऑफ स्क्वायर मिला जो हमें, दैट इज 3600, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मिला हमें, दैट इज 3200, तो ऑब्वियसली दैट यू नो 3600 इज ग्रेटर देन 3200, सो आवर आंसर विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर. क्या किया हमने, सबसे पहले पैरामीटर फाइंड की, बिकॉज हमारे पास, हमने पैरामीटर फाइंड की स्क्वायर की, बिकॉज हमारे पास गिवन थी लेंथ, लेंथ गिवन थी स्क्वायर की, तो हमने 4 इंटू साइड का फॉर्मूला लेके, 4 इंटू लेंथ का फॉर्मूला लेके हमने पैरामीटर फाइंड की स्क्वायर की. उसके बाद हमने जो हमने फाइंड किया एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड किया, उसके बाद दोनों की पैरामीटर जो थी वो सेम थी, स्क्वायर की भी सेम है और रेक्टेंगुलर की भी सेम है, दोनों की पैरामीटर जो है वो सेम है, तो हमने क्या किया, पैरामीटर का फॉर्मूला डाला, रेक्टेंगुलर के पैरामीटर का फॉर्मूला डाला, दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ,
तो हमारे पास ऑलरेडी पैरामीटर पता थी, दैट इज 240, और उसके हिसाब से हमने ब्रेथ फाइंड की, और ब्रेथ फाइंड करके हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फाइंड किया, दैट विल बी, दैट इज 3200 मिला. सो नाउ वी कैन कंपेयर कि 3200 बड़ा है या 3600.